Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. मेरा नाम श्रेष्ठ यादव है मैं वर्तमान समय में म, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ आज से हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी तथा एलिमेंट्री स्टेटिस्टिक एनालिसिस पर एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं इस सीरीज में हम विभिन्न प्रकार के मेथड्स जिनमें कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टैटिस्टिक्स और इनका मनोविज्ञान में उपयोग और ये किस प्रकार मनोविज्ञान के विषय को समझने में उसको जानने में उसका अनुसंधान करने में हमारी मदद करते हैं इन लेक्चर सीरीज में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे इस लेक्चर सीरीज में आज सर्वप्रथम हम मनोविज्ञान में सांख्यिकी के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे जिसमें सर्वप्रथम हम जानने की कोशिश करेंगे कि सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी का मनोविज्ञान में क्यों और किस प्रकार प्रयोग किया जाता है मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग मनोविज्ञान की विषय वस्तु में ही निहित है मनोविज्ञान में सामान्यतः हम लोग मनुष्य के व्यवहार उसके कारण के विषय में अध्ययन करते हैं और जब हम मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसके साथ हम लोग ये मानते हैं या कहते हैं कि मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन हम साइंटिफिक मेथड से करते हैं जिसके कारण हम मनोविज्ञान को एज ए साइंस मानते हैं लेकिन मनोविज्ञान में साइंस का उपयोग किस प्रकार किया जाता है क्यों किया जाता है ये आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान में साइंस का साइंस या साइंटिफिक मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का उपयोग मनोविज्ञान के विषय के बारे में ज्ञान अर्जन करने के लिए किया जाता है नॉलेज गेन करने के लिए तो नॉलेज गेन करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड, साइंटिफिक मेथड के अतिरिक्त और भी कुछ मेथड्स होते हैं तो आज हम पहले उन मेथड्स की चर्चा करेंगे जिससे हम लोग किसी भी प्रकार के ज्ञान का अर्जन करते हैं तो अब हम सबसे शुरू करते हैं ज्ञान के अर्जन के इस्तेमाल में होने वाली विभिन्न विधियाँ उसमें सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करेंगे अवलोकन ऑब्जर्वेशन की जब हम किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं या किसी वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो सर्वप्रथम मेथड हम लोगों के दिमाग में आता है हम उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का अर्थ है कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं जो पदार्थ हैं जो चीज़ें हैं उनको देखना देखने के बाद उनके बारे में जानकारी एकत्र करना और उस जानकारी के आधार पर उन चीज़ों के बारे में ज्ञान अर्जित करना लेकिन अवलोकन की इस विधि में कुछ कमियाँ भी हैं हालाँकि अवलोकन हमारे ज्ञान साधन में एक महत्वपूर्ण संसाधन है हम बहुत सारा ज्ञान अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके करते हैं जैसे कि अगर हम सबसे पहले किसी कमरे में प्रवेश करते हैं या किसी नई जगह पर जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके आसपास के वातावरण का उसके आसपास की चीज़ों का अवलोकन करते हैं ऑब्जर्व करते हैं बहुत ही सिंपल शब्दों में हम पहले उसे देखते हैं जांचते हैं परखते हैं यही अवलोकन का एक मूलभूत सिद्धांत है लेकिन अवलोकन में किस प्रकार की कमियाँ हो सकती हैं उसमें एक कमी है मोटिवेटेड जैसे आप ये महसूस करते होंगे जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो किस किस चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हैं ये आपकी मोटिवेशन पर बहुत रूप से निर्धारित करता है एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं जैसे जब अगर हम किसी मॉल में जाते हैं तो मॉल में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं बहुत सारी शॉप्स होती हैं बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उन सब चीज़ों में हम देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं जो किसी भी प्रकार से हमारी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ होता है जैसे अगर हमारा मॉल में जाने का उद्देश्य या मोटिवेशन एक शर्ट खरीदना है तो हम सबसे पहले वहाँ जाकर किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करते हैं वो शॉप्स या वहाँ जाने का प्रयास करते हैं जहाँ से हम एक शर्ट परचेज़ कर सकते हैं तो हम देखेंगे कि हम उस मॉल में हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा लेकिन ऑब्ज़र्व नहीं किया हमने किसी भी प्रकार से उसको परसीव तो किया होगा लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वहाँ पर आपने और क्या क्या देखा या वहाँ के बारे में जो आपने ज्ञान अर्जित किया उस मॉल के बारे में उसके बारे में बताइए तो हम देखेंगे कि हमारा ज्ञान मुख्य रूप से हमारी मोटिवेशन से प्रभावित हो रहा होगा क्योंकि हमारा उद्देश्य जाने का एक शर्ट पर ख़रीदना था तो हम मैक्सिमम टाइम पर वो सारी चीज़ें देखेंगे जो हमारी मोटिवेशन से जुड़ी हों शॉप के अलावा जो और बाकी वहाँ पर लोग घूम रहे हैं उन्होंने किस प्रकार सी शर्ट पहनी हुई है किस तरह का फैशन है किस तरह का ट्रेंड चल रहा है ये सब हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन में जो एक बेसिक लिमिटेशन है दैट इज़ दैट ऑब्जर्वेशन इज़ डिटरमाइंड बाय द मोटिवेशन और इट इज़ इन्फ्लुन्सड बाय द मोटिवेशन हमारा ऑब्जर्वेशन हमारे प्रोत्साहन से निर्धारित या प्रभावित होता है इसके अलावा हमारे पास सेकंड लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन की दैट इज़ लिमिटेड कैपेसिटी अगर आप कहीं पर भी नई जगह जाते हैं तो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारी कॉग्नेटिव कैपेसिटी है वो लिमिटेड है सीमित है सीमित का अर्थ है कि अगर किसी भी जगह नए कमरे में आप जाइए तो आप अपनी सेंसरी ऑर्गन से एक लिमिटेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन को परसीव कर पाएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी एकत्रित की है कुछ चीज़ों के बारे में हमें पूरी जानकारी ऑब्जर्वेशन से नहीं मिली है तो ऑब्जर्वेशन के माध्यम से जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो ज्ञान एक लिमिटेड फॉर्म में होता है सीमित रूप से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद ऑब्जर्वेशन की अवलोकन की एक कमी है डिस्टॉर्टेड जब हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं तो बहुत सारे डिस्टॉर्शन हमारे ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे हम किसी मॉल में गए या हम किसी एक नए कमरे में गए हमने जैसे ही वहाँ जाके ऑब्जर्व किया हमें एक बहुत ज़ोर से साउंड सुनाई दिया या हमें एक आ, ऐसा स्टूमलस दिखाई दिया जिसने हमारा अटेंशन परसीव आ, अटेंशन डिस्टॉर्ट कर दिया हमें देखना सामने है हम किसी चीज़ को देखने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं और से कोई और स्टूमलस हमारी ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस करने लगता है तो ऑब्ज़र्वेशन की इन्हीं कमियों को हम यहाँ पर डिस्कस किए हैं तो अगर आप देखेंगे हमारी प्रेजेंटेशन में तो यहां पर हमने कुछ चित्र बनाए हुए हैं इनमें से पहला एक जैसे है चश्मा बना हुआ है तो चश्मे का क्या अर्थ है हम क्या देखते हैं जिस प्रकार का हमने चश्मा लगाया होता है तो ऑब्ज़र्वेशन की यही एक बहुत बड़ी समस्या है कि जिस तरीके से हम चीज़ों को देखना चाहते हैं ऑब्जर्व करना चाहते हैं हमारा ऑब्जर्वेशन अगर बहुत सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे से ना किया जाए तो हम उसी प्रकार की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसी तरह का ज्ञान हम लेते हैं जैसा कहा भी जाता है कि संसार को आप जिस नज़रिए से देखते हैं उसी तरह का संसार आपको दिखाई देता है यह कारण है ऑब्जर्वेशन का उसके बाद देखिए पे हमने एक सर्किल बनाया है और उसके बीच में तो हमारी एक जगह एक अटेंशन एक तरफ दे पाते हैं तो बहुत सारी चीजें बहुत सारा ज्ञान जिसे हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद दूसरा मेथड है जिससे हम लोग ज्ञान का अर्जन करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही सामान्य अधिकतर हम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कहा जाता है एग्जिस्टिंग लिटरेचर विद्यमान साहित्य अर्थात जो हमसे पूर्व में जो स्कॉलर्स हुए जो ज्ञानी पुरुष हुए उन्होंने जिस प्रकार का ज्ञान अर्जित किया उस ज्ञान को उन्होंने किसी बुक फॉर्म में किसी रिसर्च पेपर के फॉर्म में किसी टेक्स्ट के फॉर्म में किसी ग्रंथ के फॉर्म में एक इस्टेब्लिश किया और एक बाइंड करके आपके सामने एक लिटरेचर प्रोवाइड कराया लिटरेचर के साथ बहुत बड़ी ख़ासियत ये है कि लिटरेचर आपको कम समय में बहुत सारा ज्ञान देता है तो जिस चीज़ के अंदर कुछ ख़ासियत होती है उस चीज़ के अंदर कुछ कमियाँ भी होती हैं लिटरेचर बहुत अच्छा सोर्स है नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए नई चीज़ों के बारे में समझने के लिए जिसमें आप बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं लेकिन लिटरेचर की जो एक पहली कमी है वो है अनवेरीफाइड अगर वो जो साहित्य आप पढ़ रहे हैं या वो साहित्य जहां से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो लिटरेचर सोर्स से है, तो अगर अनवेरीफाइड सोर्स से है तो आप उस ज्ञान को दोबारा प्रूफ नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो किस सोर्स से मिला है कहां से हमने वो ज्ञान प्राप्त किया है जैसे जब हम गूगल पे भी किसी सर्च किसी भी टर्म को सर्च करते हैं तो वहाँ पर उस टर्म से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आती है बहुत सारा लिटरेचर आपको मिलता है उस लिटरेचर में से आप किस लिटरेचर को पढ़ते हैं वो लिटरेचर जो किसी रिसर्च स्कॉलर ने एक रिसर्च पेपर के फॉर्म में लिखा है या किसी एकडमिशियन ने एक बुक फॉर्म में लिखा है या एक ऐसा लिटरेचर एक ऐसा टेक्स्ट जिसका सोर्स आपको नहीं पता है जैसे किसी भी बुक का सबसे बड़ा पॉइंट होता है या सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है कि वो बुक किसने लिखी है इसी प्रकार से रिसर्च पेपर में रिसर्च पेपर की क्वालिटी रिसर्च पेपर के टेक्स्ट के साथ साथ रिसर्च पेपर किसने लिखा है कहाँ पब्लिश किया है इसका बहुत महत्व होता है तो अगर हमारे पास जो लिटरेचर है वो अनवेरीफाइड है तो उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो कई बार गलत हो सकता है मिसकंसेप्शंस जनरेट हो सकते हैं कोई जानकारी जो हमें जिस फॉर्म में मिलनी चाहिए जिस तरह की वो हो सकता है उस फॉर्म में ना मिले जैसे मैगजीन्स बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि मनोविज्ञान के बारे में बहुत बहुत सारा टेक्स्ट लिखा होता है उनमें से कुछ टेक्स्ट कुछ मनोवैज्ञानिक लिखते हैं उनमें से बहुत सारा टेक्स्ट वो लोग भी लिखते हैं जिन्हें मनोविज्ञान के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है या उन्होंने मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा है तो जब वो मनोविज्ञान के बारे में लिखते हैं और उनका सोर्स अनवेरीफाइड होता है तो वो कई बार मनोविज्ञान को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस बहुत सारे मिथ भी जनरेट करते हैं तो लिटरेचर अगर अनवेरीफाइड सोर्स से है उसके बारे में जानकारी नहीं है कि किसने लिखा है कहाँ से लिखा है तो वो कई बार हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी करने के बजाय कुछ कमियाँ लाता है उसके बाद है लिटरेचर नॉन साइंटिफिक वो लिटरेचर जो किसी रिसर्च पे बेस्ड हो साइंटिफिक में लिखा गया हो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी से उस लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया हो और उसके बाद अगर वो लिटरेचर हमारे पास है तो वो हमारे ज्ञान में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एड ऑन करता है लेकिन अगर वो लिटरेचर अनसाइंटिफिक है जैसे मुझे लगा मुझे कोई चीज़ पसंद आई मैंने उसके बारे में लिखा और उसकी बहुत तारीफ़ की उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें एड ऑन की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स उसमें इंक्लूड की लेकिन मैंने उस इंफॉर्मेशन को पहले साइंटिफिकली कहीं प्रूव नहीं किया आइडेंटिफाई नहीं किया एक्सप्लोर नहीं किया बस वो मैंने एक अनसाइंटिफिक वे में लिटरेचर को लिखा और लिखने के बाद पब्लिश किया तो जो अनसाइंटिफिक वे में लिटरेचर पब्लिश होता है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि भी करता है और कई बार कुछ प्रकार की भ्रांतियाँ भी उपलब्ध कराता है इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है नॉलेज गेन करने का संसार के बारे में जानने का नई चीज़ों के बारे में सीखने का उसे कहते हैं हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन इंट्यूशन बहुत सिंपल शब्दों में अगर आप कहेंगे तो ये एक ऐसी विधि है जो बहुत शॉर्टकट से बहुत संक्षिप्त में आपको एक जानकारी प्राप्त कराने की कोशिश करती है या एक कंक्लूज़न क्रिएट करती है डेवलप करती है जैसे अगर शा, शाम को हमको लगे कि बारिश हो सकती है तो हमें सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया हमने या दूसरा एग्जांपल एक, लेते हैं कि शाम को अगर कोई क्रिकेट मैच है तो हमने बस एक इंट्यूशन से कहा कि शाम को आज ये एक्स टीम या वाई टीम ए टीम या बी टीम इस मैच को जीतेगी इस इंट्यूशन को इस नॉलेज को ज्ञात करने में हमने किसी भी तरह के साइंटिफिक तथ्यों का आंकड़ों का वेरीफाइड फैक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कौन सी टीम में किस तरह के खिलाड़ी हैं उन, उन खिलाड़ियों की किस तरह की स्ट्रेंथ है वो किस तरह का खेलते हैं अगर क्रिकेट मैच है तो पिच कैसी है ग्राउंड कैसा है इन सब फैक्ट्स को हमने इग्नोर करके सिर्फ अपने इंट्यूशन के बेस पे शॉर्टकट में शॉर्टकट कहा कर ना क्योंकि इन सब चीज़ों में इन्फॉमेशन कलेक्ट करने में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हमें समय लगेगा तो हम क्या रहे हैं एक शॉर्ट कट से ठीक है आज ये टीम जीत जाएगी दूसरे कहते हैं इंट्यूशंस सेकेंड इंट्यूशंस का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो किसी इम्पेरिकल रिसर्च से सपोर्ट नहीं होता जैसे अभी हमने एग्ज़ाम्पल दिया कि शाम को एक्स ए टीम या बी टीम आज मैच जीतेगी तो जब हमने ये ज्ञान दिया या हमने ज्ञान को अर्जित किया या हमने एक जानकारी क्रिएट की तो हमने किसी भी तरीके से किसी रिसर्च से इसे सपोर्ट नहीं किया तो जो ज्ञान हमें किसी भी साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्ट नहीं करता है उस ज्ञान में बहुत सारे चांसेस हैं कि वो ज्ञान वेरीफाइड ना हो और वो जो नॉलेज है वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो और हम उस ज्ञान का पूरी तरीके से इस्तेमाल अपने जीवन में ना कर पाएँ इसमें हमने दो एग्ज़ाम्पल रखे हैं जैसे वेदर प्रडिक्शन वेदर प्रडिक्शन करने के दो मेथड हो सकते हैं या दो सोर्स हो सकते हैं ये जानने के लिए कि आज शाम का मौसम कैसा रहेगा पहला इंट्यूशन हमने बस एक अंदाज़ा लगाया कि बहुत दिन से बारिश नहीं हुई है आज मौसम कुछ गर्म है और बहुत ह्यूमिडिटी है तो शायद शाम को बारिश होगी सेकंड मेथड है वेदर इंफॉर्मेशन का साइंटिफिक मेथड जो रिसर्च स्कॉलर, वेदर साइंटिस्ट एक डेटा कलेक्ट करते हैं पिछले कई दिनों के टेम्परेचर का वेदर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स का उस डेटा को कलेक्ट करते हैं डेटा का एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली वो शाम के वेदर को प्रडिक्ट करते हैं तो जो सेकेंड मेथड है ये साइंटिफिक मेथड है लेकिन पहला जब हम सिर्फ शॉर्टकट से हमने डेटा को एनालाइज़ ही नहीं किया कलेक्ट भी नहीं किया और सिर्फ़ एक अपने हंचिस पे अपनी गट फीलिंग से हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी वो होगा इंट्यूशन बेस्ड नॉलेज नेक्स्ट इज ऑथॉरिटी ऑथॉरिटी किसी भी सोसाइटी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है या एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है हमारे समाज में या किसी भी समाज में कुछ लोग होते हैं जो एक स्पेसिफिक पावर को ऑन करते हैं एक स्पेसिफिक पोजिशन को ऑन करते हैं उस पोजिशन के कारण उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और बहुत सारी ड्यूटीज़ भी होती हैं और पावर भी होती हैं तो कई बार हम सिर्फ अपने ज्ञान का माध्यम उन ऑथॉरिटीज़ को रखते हैं जैसे अगर हम एक समाज में हैं और समाज में पिता के पास एक ऑथॉरिटी पावर है ऑथॉरिटी पावर क्योंकि वो परिवार का पालन पोषण भी करता है और ये भी लग माना जाता है कि जो पिता है उसके पास विभिन्न विषयों के बारे में हमसे ज़्यादा ज्ञान है या उसके पास एक्सपर्टीज़ है पहले हम ज़्यादा ज्ञान के बारे में डिस्कशन करते हैं तो पिता एज एथॉरिटी जब अपने बच्चों को कोई बात सिखाता है बताता है तो बच्चे उस ज्ञान को सिर्फ इसीलिए ग्रहण करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ इसीलिए ओन करते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनको उनकी एक ऑथॉरिटी ने दी है तो वो इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई नहीं करते इसके लिए और डेटा कलेक्ट नहीं करते किसी भी तरह की सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन नहीं करते वो क्या करते हैं उस ज्ञान को ले लिया तो हमने भी देखा होगा कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपने माता पिता से अपने बड़ों से सिर्फ सुनी सीख ली जानकारी है लेकिन उस जानकारी के बारे में हमारे पास और बहुत ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं है दूसरा है एक्सपर्टीज़ एक्सपर्टीज़ जब हम ये मानते हैं कि इस व्यक्ति के पास इस विषय के बारे में हमसे ज़्यादा ज्ञान है या हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें कोई कोई नई स्किल सीखनी है या जैसे हमें सिंगिंग सीखनी है या हमें फुटबॉल खेलना सीखना है हमें क्रिकेट खेलना सीखना है तो हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको हम मानते हैं कि इनके पास इन विषयों के बारे में एक्सपर्टीज़ हैं तो वो जो एक्सपर्ट हमें बताते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें सिंगिंग सीखनी है और हम एक ऐसे व्यक्ति के पास गए जिसके पास सिंगिंग में एक्सपर्टीज़ है तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं वो व्यक्ति हमसे कहता है कि अगर आपको गाना सीखना है तो आप इस तरह के व्यवहार को कीजिए आप ये फूड खाइए ये फूड मत खाइए इस तरीके से बोलिए इस तरीके से सांस लीजिए तो हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हमारा इसका सोर्स ऑफ ऑथॉरिटी है और उस ऑथॉरिटी के बेसिस पर हम इस इंफॉर्मेशन को सत्य मानकर एक्सेप्ट कर लेते हैं इसका एक एग्ज़ाम्पल uh, है जो हमें भी हमारे सीनियर्स ने एक बार दिया था कि ऑथेन्टिक किस प्रकार से हमारे नॉलेज सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है एक बार एक कर्नल अपने कैंट में जाता है उसकी नई पोस्टिंग हुई और उसको वहाँ जाके ये पता चलता है कि ये एक पोस्ट है उस पोस्ट पे एक व्यक्ति को हमेशा रहना होता है वो कर्नल से पूछा कर्नल ने आसपास के लोगों से पूछा कि इस पोस्ट पर ये एक व्यक्ति यहाँ क्यों रहता है तो उनके आसपास के लोगों ने बताया कि जो यहाँ अथॉरिटी फिगर थे जो सीनियर थे आपसे पहले उन्होंने यहाँ पर एक व्यक्ति को प्लेस किया था तो कर्नल साहब ने जान जानने की कोशिश की कि क्यों रखते हैं तो उन्होंने उनसे पूछा जो उनसे सीनियर थे तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सीनियर थे उन्होंने वो अपने समय से यहाँ पर इन्हें एक किसी भी एक व्यक्ति को पोस्ट रखते थे उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जो हमारे भी सीनियर थे ऑथरिटी थे उन्होंने यहाँ पर इन्हें एक पोजीशन पे रखा था जब उनसे जानकारी प्राप्त की गई तो उन्होंने बताया कि उस समय यहाँ पर एक बेंच थी और उस बेंच पर नया पेंट किया गया था तो हमने सबसे पहले इस पोस्ट पर एक व्यक्ति को रखा था ताकि उस नए पेंट पर कोई बैठ के अपने कपड़े ख़राब ना करे और उस पेंट को खराब ना करे तो तब से क्योंकि वो एक ऑथॉरिटी ने उस पोजीशन पर एक व्यक्ति को प्लेस किया था पोस्ट पर वो सिर्फ हम इसीलिए ज्ञान को ट्रांसफ़र करते रहे क्योंकि हमने माना कि जो हमारी अथॉरिटी थी वो करती आ रही थी तो इस तरीके से जब हम ज्ञान का अर्जन करते हैं तो कई बार हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है इसके अलावा जो और मेथड हैं उनमें नेक्स्ट मेथड है लॉजिकल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग का क्या अर्थ है साइंस में समाज में हम लोग बहुत बार ये बात करते हैं कि हमें किसी भी बारे में लॉजिकल थिंकिंग रखनी चाहिए रीजनिंग रखनी चाहिए कुछ कहने से पहले उसके बारे में सोचना चाहिए और जब उसके बारे में हमारे पास लॉजिक हो रीज़न्स हो तब हम उसे मानना चाहिए लेकिन लॉजिक और रीजनिंग कई बार हमारी डेटा ड्रिवन नहीं होती इसका एक हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे अगर हमने हम जर्नी कर रहे हैं सफ़र कर रहे हैं और हमने पाँच किलोमीटर जर्नी को पूरा करने में हमें पाँच मिनट लगे तो उस पाँच किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने में अगर हमें पाँच मिनट लगे तो लॉजिकली और रीजनिंग से हम ये कह सकते हैं या ज्ञान हमें मिलता है कि अगले पाँच किलोमीटर पूरा करने में भी हमें पाँच मिनट लगेंगे लेकिन अगले पाँच किलोमीटर को कवर करने में पाँच मिनट लगेंगे या नहीं लगेंगे ये बहुत सारे तथ्यों पर निर्धारित होता है जैसे आगे की सड़क कैसी है हमारे ड्राइवर को फटीग है या नहीं है हो सकता है फटीग होने के कारण वो आगे जो ड्राइव कर रहा है उसमें उसे ज़्यादा समय लगे हो सकता है आगे ट्रैफिक हो हो सकता है किसी और तरह का बैरियर हो तो हमें आगे जो समय पाँच किलोमीटर जाने में समय लगा है वो सिर्फ़ हमारी रीजनिंग के बेसिस पर बहुत सी बार सही होता है और बहुत सी बार गलत भी हो सकता है तो रीजनिंग जब बहुत डेटा ड्रिविन ना हो तब रीजनिंग और लॉजिक से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उस तरह के ज्ञान में कुछ लिमिटेशंस या डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं सेकंड, जो हमारी लॉजिक होते हैं जो हमारी रीजनिंग होती है वो कई बार हमारे फैक्ट्स से डिफरेंट होती है इसमें हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं एवरेज कार का एवरेज जब भी हम कोई कार परचेज़ करते हैं या बाइक परचेज़ करते हैं तो हमें एक बहुत ही रैशनल और लॉजिकल तरीके से बताया जाता है कि ये बाइक या ये कार इतने किलोमीटर का एवरेज देती है अगर एक लीटर पेट्रोल आपने डलवाया है तो ये पचास किलोमीटर चलेगी बाइक या साठ किलोमीटर चलेगी या सत्तर किलोमीटर चलेगी तो ये जो वो क्लेम करते हैं नॉलेज हमें देते हैं ये उनका रीजनिंग बेस्ड होता है लॉजिकल बेस्ड क्योंकि उन्होंने जब इस इस डेटा को कलेक्ट किया था तो वो एक बहुत ही स्मूथ कंडीशंस में जहाँ पर ब्रेकर्स नहीं हो, या एक स्टेगनेंट स्पीड uh, में स्टेटिक कंडीशंस में उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के आधार पर बताया कि इस कार का ये एवरेज होगा लेकिन जब हम रियल सिचुएशंस में उस कार को या उस बाइक को रन करते हैं तो वो जो रियल सिचुएशंस होती हैं वो फैक्ट्स हैं लेकिन ये फैक्ट आप एक लैब में जहाँ पर उस कार या बाइक का एवरेज इस्टीमेट किया गया था उससे डिफरेंट हो सकते हैं तो जब ये फैक्ट्स उस लॉजिक से उस रीजनिंग से डिफरेंट होते हैं तो जो हमारी रियलिटी होती है जो हमारी नॉलेज होती है वो डिफ़रेंट हो जाती है तो आपने देखा भी होगा कि जो कार का या बाइक का एवरेज क्लेम किया जाता है उस तरह का एवरेज हमारी कार या बाइक नहीं देती है तो हम कॉमनली आप कहेंगे कि इतना बाइक ही क्लेम करती है लेकिन इन रियल फैक्चुअल लेवल पे ये बाइक या ये कार इतना एवरेज देती है तो ये दोनों के दोनों जो डेटा हैं ये बेस करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उस डेटा को कलेक्ट किया गया है किस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली उस डेटा को एनालाइज़ करके लॉजिकल या रीजनिंग के थिंकिंग से उस इंफॉर्मेशन को ऑरिजिनेट किया गया है उसके बाद नेक्स्ट मेथड है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आस्था एक बहुत बड़ा संसाधन है आस्था संसाधन का अर्थ हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में फेथ रखते हैं जब हम फेथ रखते हैं तो फेथ के साथ एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि जो उस फेथ की फिगर से उस फेथ के सोर्सेस से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसे हम अनकंडीशनली बिलीव करते हैं जैसे अगर मेरा किसी व्यक्ति के ऊपर फेथ है या किसी भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फेथ है और उस ऑब्जेक्ट या उस व्यक्ति से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उस इंफॉर्मेशन को मैं अनकंडीशनली ट्रस्ट करता हूँ अनकंडीशनली बिलीव करता हूँ और अनकंडीशनली उस इंफॉर्मेशन uh, के अकॉर्डिंगली अपने व्यवहार में परिवर्तन करता हूँ इसके जो मेजर प्रॉब्लम है फेथ के साथ दैट इज़ अनकंडीशनल बिलीफ इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है लेकिन उस इंफॉर्मेशन को हमें पहले different different sources से verify करना चाहिए लेकिन faith faith हमें कहाँ पर problem create करता है या कहाँ पर हमारी problem बनता है कि faith के साथ हम no need to verify the information। हम उस information को verify करने की ना ही ज़रूरत समझते हैं और ना ही करने का प्रयास करते हैं उसके बाद आस्था हमें अधिकतर एक नए पाथ को या एक पाथ हमें बताती है कि किस तरीके से आपको किसी व्यवहार को करना है कैसे अपना जीवन जीना है किस तरह के कपड़े पहनने हैं किस तरह की नॉलेज सिस्टम को आपको फॉलो करना है तो बहुत सारे समय पर हमारा फेथ हमें एक रास्ता दिखाता है और वो रास्ता ही हमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज के सोर्सेज को सोर्सेज तक पहुँचाता है आस्था के साथ जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है फेथ के साथ या बिलीफ सिस्टम के साथ कि सभी लोग तो इसी प्रकार से कर रहे हैं अभी तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सभी सही है तो ये जो तरीका है ये जो मेथड है ये सही होगा और इसी से हम आगे डेवलप होंगे लेकिन मेजॉरिटी में बिलीव करने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई ना करें उस इन्फॉर्मेशन के और डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई ना करें उस इंफॉर्मेशन से और क्या लाभ क्या हानि हो सकती है उसको वेरीफ़ाई ना करें क्योंकि मेजॉरिटी ही अगर किसी ज्ञान को आ, सही या गलत साबित करने का तरीका होगा तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं शुरू में मेजॉरिटी उन्हें डिनाई ही करती है लेकिन समय के साथ साथ जब साइंस अपने उन नॉलेज को उन नॉलेज सिस्टम को वेरीफाइड डेटा फॉर्मेट से प्रूफ करती है तो धीरे धीरे मेजॉरिटी उन फैक्ट्स को नॉलेज सिस्टम को एक्सेप्ट करती है फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे, धीरे डेवलप करती है तो इन सब बातों के बाद अब हम डिस्कशन करते हैं साइंस के बारे में क्योंकि तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि साइंस और साइंस के अलावा जो और विभिन्न मेथड हैं नॉलेज को गेन करने के हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे तो अभी तक हमने बहुत सारे मेथड डिस्कस किए जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं अब उसके बाद हम साइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं साइंस साइंस या विज्ञान के बारे में जैसे ही कोई बात शुरू करता है तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में कुछ स्पेसिफिक तरह के स्टीरोटाइप स्टोरेटाइप भी आप कह सकते हैं डेवलप होते हैं जैसे वैज्ञानिक तो अगर मैं कहूँ कि वैज्ञानिक के बारे में बताइए तो कॉमनली लोग बताना शुरू करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो एक वाइट कोट एप्रेन या एक स्पेसिफिक तरह की पोजिशन और स्पेसिफिक तरह के कपड़े पहन है बहुत सारे केमिकल्स हैं एक लैब है वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं वो लोग उन इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हैं किसी तरह का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और बहुत ही फोकस होके किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एनालिसिस कर रहे हैं या हम बच्चों से अगर पूछते हैं विज्ञान क्या है तो वो कॉमनली केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि वहाँ पर लैब है बहुत सारे केमिकल हैं एक केमिकल को दूसरे केमिकल में मिलाते हैं तो नया केमिकल बनता है और इसी तरह का वो डिस्क्रिप्शन साइंस के बारे में देते हैं या और जो सीनियर होते हैं वो आपको बताएंगे कि साइंस तो रॉकेट साइंस कंप्यूटर साइंस तो इन सब चीज़ों से आप देखते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति है वो विज्ञान और सामान्य व्यक्ति के नॉलेज सिस्टम के बीच में गैप जनरेट हो रहा है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें लग रहा है कि हमसे बियॉन्ड है हमारे हमारे लिमिट्स में हमारी सीमाओं से बाहर की चीज़ें हैं लेकिन विज्ञान बहुत ही सिंपल एक ऐसा मेथड है जिससे हम बाह्य चीज़ों के बारे में संसार के बारे में किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान या तो अर्जित करते हैं या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ज्ञान का अर्जन पहला दूसरा जो हमारे पास ज्ञान है उसका विस्तार करते हैं जैसे अगर आज हमारे पास किसी चीज़ के बारे में या फॉर एग्जांपल इसके पेन के बारे में आज हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इसका उपयोग इस तरीके से क्लिक करने में किया जा सकता है लेकिन उसके बाद हम और साइंटिफिक मेथड से रिसर्च किए और उसके बाद हमने एक्सप्लोर किया या ये एड ऑन किया कि इस पेन से इस तरफ से लिखा भी जा सकता है और इस तरफ से हम चाहें तो इसे रब भी कर सकते हैं तो साइंस हमें हमारे ज्ञान को अर्जन करने में और जो हमारे पास अर्जित ज्ञान है उस ज्ञान के विस्तार में मदद करती है तीसरा ज्ञान हमेशा संशोधन पर भरोसा रखता है संशोधन शंसो, का अर्थ है कि जो हमारे पास आज चीज़ें हैं जो हमारे पास आज ज्ञान है वो परिवर्तित हो सकता है उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं उसमें से कुछ चीज़ें आप निकाल भी सकते हैं और हो सकता है कुछ समय बाद उन चीज़ों का एक नया फॉर्म हमारे सामने हो इसके बारे में विज्ञान के बारे में अब और डिस्कस करते हैं तो विज्ञान के कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं या आप कह सकते हैं कुछ गुण हैं विज्ञान के इन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इन गुणों में जो पहली क्वालिटी है या एक गुण है एक कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम कहते हैं एक्यूरेसी अब प्रश्न ये उठता है कि एक्यूरेसी क्या हो तो एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो किसी भी सामान्य व्यक्ति से आप पूछें कि एक्यूरेट क्या है तो वो आपको बताएगा जो बिल्कुल सही है जिसमें किसी तरह की गलती होने की प्रोबेबिलिटी कम है या कहे कि इसमें कुछ गलत नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट है तो लेस चांसेस ऑफ एरर जैसे अगर आपने किसी से समय पूछा तो वो हो सकता है आपको बताए क्या पाँच बजने वाले हैं तो आप उससे क्या कहते हैं एक्यूरेट टाइम बताइए तो वो क्या आपको बताता है कि नहीं नहीं फोर फिफ्टी फाइव चार बज के पचपन मिनट हुए एग्जैक्टली तब आप उसको क्या ज्ञान कहते हैं कि अब ये जो ज्ञान है हमारे पास ये प्रिसाइज है एक्यूरेट है अब हम इस ज्ञान से अधिक लाभ उठा सकते हैं रादर देन जब हमसे कोई बताए कि पाँच बजने वाले हैं तो पाँच बजने वाले हैं उस पाँच बजने में दस मिनट हैं पंद्रह मिनट हैं बीस मिनट हैं हमारे पास कितना समय है उस कार्य को करने का वहाँ पे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है इसे हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं जैसे अगर हम एक सर्किल बनाए हम मानते हैं कि पूरा एक सर्किल है और आपसे कहा जाए कि इसके बिल्कुल मिड में टारगेट कीजिए तो जो व्यक्ति बिल्कुल मिड में टारगेट करेगा अगर तो वो होगा एक्यूरेट लेकिन अगर मैं कहूं मिड में मार्क कीजिए और कोई यहां साइड में किसी और जगह करे तो आप क्या कहेंगे कि जो टारगेट किया गया है ये एक्यूरेट नहीं है तो आप क्या चाहते हैं जब भी आप कोई कार्य करें तो आप एक्यूरेसी से करें प्रिसाइज हो ये विज्ञान की एक बेसिक नीड है एक बेसिक गुण है एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है हम सामान्य जीवन में विज्ञान के बहुत सारे गुणों को फॉलो करते हैं लेकिन बस उसके बारे में जानते कम हैं एक्यूरेसी के बाद जो नेक्स्ट क्वालिटी है साइंस की ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि जो हम सोच रहे हैं उसमें हमारे व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस का हमारे अनुभवों का हमारे व्यक्तिगत बायसनेस का हमारी एक्सपेक्टेशंस का कोई रोल नहीं है जैसे अगर मेरे सामने अभी कोई स्टूमुलस है फॉर एग्जांपल मैं ये मानता हूँ कि मेरे सामने अभी ये घड़ी है और मैं जैसे कहा जाए कि इस घड़ी के बारे में कुछ बताइए तो वस्तुनिस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन ये घड़ी है इसमें एक स्ट्रैप इस है इसमें एक डायल है और ये टाइम बताती है क्योंकि अगर ये बात मैं और बाकी लोगों से भी पूछूं तो उनकी भी लगभग लगभग एक्सप्लेनेशन इस घड़ी को लेकर इसी प्रकार की होगी लेकिन अगर ये घड़ी मेरी है मैंने इसे बहुत कॉस्ट से बहुत महंगे में ख़रीदा है और ये बहुत कॉस्टली है तो अब क्या इस घड़ी के साथ मेरे या ये घड़ी मेरे लिए बहुत लकी है मैं ये मान लेता हूँ ये मेरी घड़ी मेरे लिए बहुत लकी है तो इस घड़ी को लेके मेरे अंदर कुछ बाइसनेस हैं अब कुछ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं क्यों क्योंकि मैंने बहुत कॉस्ट पे की है मुझे लगा है कि जब मैं इस घड़ी को पहन के जाता हूँ तो जो मैं काम करता चाहता हूँ वो काम पूरे हो जाते हैं अब अगर मुझे इस घड़ी के बारे में बताना है तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा इस घड़ी का जो बेल्ट है वो बहुत कंफर्टेबल है ये कभी गलत समय नहीं बताती है ये बहुत कंफर्टेबल घड़ी है बहुत लाइट वेट है इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं तो ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मैं उस स्टिमुलस, उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताने के बजाय उन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो मेरे अनुभव हैं मेरी मोटिवेशंस हैं मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे बाइसनेस हैं वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं रादर देन द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टम्स तो इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन साइंस में नहीं होते हैं साइंस में जो एक्सप्लेनेशंस होते हैं या जो फैक्ट्स होते हैं या जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्टिवली बेस्ड होते हैं इसके बाद जैसा अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अगर ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन होंगे तो अगर वो दस लोगों से भी पूछे जाएंगे तो उन दस के दस लोगों का जो एक्सप्लेनेशन होगा सम हाउ एक जैसा होगा तो उनके एक्सप्लेनेशन में सिमिलैरिटी होगी इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट संशयवाद जब हम संशय की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि संशय करना गलत है किसी के ऊपर भी संशय नहीं करना चाहिए संदेह नहीं करना चाहिए बिल्कुल सही बात है अगर कोई हमसे कोई कुछ कहता है तो वो हमारी भलाई के लिए ही कह रहा होगा वो जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा और हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए लेकिन संदेह या संशयवाद के साथ जो साइंस का विज्ञान का जुड़ाव है वो इस प्रकार से है जैसे अगर आप कोई नई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आपके वो शॉपकीपर है वो आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उस इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप क्या करते हैं आप कहते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके दिखाओ फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मुझे एक पेन खरीदना है तो मैं गया तो शॉपकीपर ने कहा कि यह पेन बहुत स्मूथ चलता है तो मैं क्या कहूँगा लाओ मैं एक बार चेक करता हूँ मैं चला के देखता हूँ उसके बाद मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ काफ़ी स्मूथ है लेकिन मैं यहीं पर कंट्रोल नहीं करता मैं क्या करूँगा मैंने कुछ और लोगों को दिया उनसे भी कहा कि आप इससे कुछ लिख कर देखिए और बताइए कि ये किस प्रकार से चलता है तो वो हमें बताते हैं कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पेन है ये बहुत स्मूथ चल रहा है तो इस तरीके से जब हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं डेटा कलेक्ट करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होते हैं तो साइंस किस में बिलीव करती है कि अगर कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसे रिपीटेडली वेरीफाई किया जाए उस वेरिफिकेशन को दूसरे लोगों के माध्यम से भी वेरीफाई किया जाए जो कि हम कॉमनली करते हैं तो साइंस का हम उपयोग बहुत अपने जीवन में बार बार करते हैं संशयवाद के बाद जो एक करेक्टरिस्टिक है विज्ञान की रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन का अर्थ है कि अगर कोई रिजल्ट कोई परिणाम किसी प्रयोग से अभी आया है तो उस प्रयोग से जो परिणाम है मैं उसे दोबारा रिप्लिकेट कर सकता हूँ जैसे अगर मैं आज एक प्रयोग करूँ और ये बताऊँ कि एक्सपीरियंस प्रैक्टिस से एरर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और ये मेरे रिसर्च का आउटकम है तो जो विज्ञान है वो इस बात पे बिलीव करता है कि अगर मुझसे दोबारा कहा जाए कि आप प्रैक्टिस करके एरर्स को कम करके दिखाइए तो वो क्या मैं रिप्लिकेट कर सकूँ तो रिप्लिकेट करने से क्या हमें लाभ होते हैं पहला जो अगर चांस फैक्टर है फॉर एग्जांपल एक बार मैंने प्रैक्टिस की और उसके बाद मैंने कोई परफॉर्मेंस की तो मेरी एरर्स कम आई लेकिन वो चांस फैक्टर था गलत एक बार ऐसा हो गया लेकिन अगर मैं बार बार उस काम को करके देखूंगा और एक जैसे रिजल्ट आएंगे तो उसका अर्थ होगा कि ये ज्ञान या ये जो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये सही है बहुत हद तक ये सही होने के चांसेस हैं उसके बाद विज्ञान की अगली गुण है कैरेक्टरिस्टिक है बेस्ड ऑन द रियल डेटा नॉट इवन बेस्ड ऑन द इंट्यूशन बेस्ड ऑन इट इज़ बेस्ड ऑन द मेजर फैक्ट एंड द कंक्लूजन इज़ ड्रिवेन फ्रॉम द डेटा जो हमारा साइंस है वो हमारे तथ्यों पर आधारित होता है और जो तथ्य हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं जब हम उन्हें मेज़र करते हैं जब हम किसी तथ्यों को मेज़र को करते हैं उन मेज़र से जो हमें डेटा मिलता है उनके बेस पर जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं या जिस प्रकार की जानकारी का ओरिजिन करते हैं वो होता है बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स एंड द डेटा इसके बाद विज्ञान की एक और करेक्टरिस्टिक है जिज्ञासा क्यूरोसिटी विज्ञान के साथ ये क्यों जुड़ी हुई है क्योंकि विज्ञान क्या जानने की कोशिश करता है किसी की भी चीज़ के बारे में क्या कब क्यों कैसे अर्थात विज्ञान हमें एनकरेज करता है कि हम तरह तरह के प्रश्न पूछें उन प्रश्नों के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन को ज्ञान ज्ञात करें और उस इन्फॉर्मेशन से हमारे ज्ञान में वृद्धि हो हमें नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिले हमारे पास नई एक्सप्लेनेशंस हो, तो इस प्रकार से क्यूरसिटी हमारे विज्ञान में हमारी सहायता करती है विज्ञान का जो अगला गुण है कैरेक्टरिस्टिक है उसे हम बोलते हैं निर्धारणवाद या डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म का अर्थ है कि कोई भी चीज़ कोई भी परिणाम कोई भी वस्तु अगर है तो उसके होने के पीछे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं सामान्य भाषा में अगर कोई चीज़ है कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारक हैं जो निर्धारक हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है जैसे अगर मेरे पास अभी अगर है कि पेन है हम इसको एग्जांपल की तरह लें तो अगर ये पेन यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर सकता है तो इसके पीछे कुछ फैक्ट्स होंगे कुछ कारक होंगे कुछ फैक्टर्स होंगे जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये इस तरीके से वर्क करें अब वो जो फैक्ट्स हैं वो कॉजेज़ हैं जो कारक हैं वो मिलकर ये निर्धारित कर दिए कि ये मार्क हो गया तो वो कारक कौन से हो सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक निब है इसमें एक पाइप जैसा है हो सकता है पाइप के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन डिवाइसेस के कारण उन डिवाइसेस में कुछ प्रोग्रामिंग है और वो प्रोग्रामिंग वो डिवाइसेस डिवाइसिस आउटर बॉक्स ये नेब ये सब मिलकर ये निर्धारित कर रहे हैं कि ये इस प्रकार से मार्क करेगा और इस प्रकार से इरेज करेगा इसे बोलते हैं हम विज्ञान में निर्धारणवाद डिटर्मिनिज्म डिटर्मिनिज्म के साथ साथ एक और फंक्शन एड ऑन होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्कवरेबिलिटी डिस्कवरेबिलिटी का अर्थ होता है कि हमने अभी क्या कहा कि किसी भी परिणाम के किसी भी चीज़ के कुछ कारक हैं तो वो जो कारक हैं विज्ञान ये मानता है कि उन कारकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसे बोलते हैं डिस्कवरेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि जो कारक हैं इनको हम जान नहीं सकते इनके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते डिस्कवर कर सकते हैं तो निर्धारणवाद और निर्धारकों के बारे में हम एक एग्जाम्पल से जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार ये दोनों हमें नई चीज़ों के बारे में जानने और जो चीज़ें हमारे पास हैं उनके बेहतर उपयोग में हमारी मदद करते हैं तो इसमें जो पहला है कि हम एग्जांपल लेते हैं आप लोगों ने एक टॉय देखा होगा जिसमें एक टॉय होता है और आगे एक बॉक्स होता है उस बॉक्स उस टॉय में अगर हम चाबी भरते हैं तो वो टॉय इस तरीके से ड्रम को प्ले करता है तो अगर हम ये माने कि वो जो नॉइस है उस ड्रम को प्ले करने से हो रही है तो वो अगर ये परिणाम है तो उसके कुछ कारक होंगे कारक क्या है जैसे उस टॉय में चाबी भरना अगर हम उस टॉय में चाबी नहीं भरेंगे तो वो ड्रॉ नहीं वो प्ले नहीं करेगा और वो नॉइस नहीं आएगी तो अगर हमें ये पता है कि हर चीज़ के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं और उनको हम जान सकते हैं तो इस मेथड से हमने जान लिया कि वो जो टॉय है वो किस प्रकार से कार्य करता है तो अगर हमें लगता है कि हमें ड्रम को बहुत तेज बजाना है तो हम और चाबी भर देंगे अगर हमें लगता है कि अभी उस ड्रम को हमें नहीं बजाना है स्टॉप करना है तो हम चाबी निकाल लेंगे तो इस साइंटिफिक मेथड से हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं उसके विभिन्न विभिन्न उपयोग के बारे में जान सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट है फालसिबिलिटी साइंस ये बिलीव करती है कि जो चीज़ अभी है सच है वो कल सच होगा ट्रू होगा फॉल्स होगा इसकी दोनों प्रोबेबिलिटी हैं तो जो साइंस अपने फैक्ट्स हमारे सामने रखती है वो इस प्रकार से रखती है कि अगर कल को उसको रिजेक्ट करना हो तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम इस फैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि साइंस अपने सारे फैक्ट सिर्फ इसीलिए रख रही है कि कल को उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए वो उन फैक्ट्स को इस तरीके से सिर्फ इसलिए रख रही है कि अगर वो फैक्ट फॉल्स हैं गलत हैं तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी ना हो कि वो फॉल्स फैक्ट स्टे करें और उन फॉल्स फैक्ट को ही लोग एक नॉलेज सिस्टम मान लें तो हमेशा साइंस फॉल्स को रिमूव करने के लिए ये एक प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेंस हमेशा अपने साथ रखती है फॉल्स और एक्सेप्टेंस से ही नया एक चरित्र या एक करेक्टरिस्टिक डेवलप होती है साइंस में इसे कहते हैं सेल्फ करेक्शन सेल्फ करेक्शन का अर्थ है कि विज्ञान स्वयं अपने अंदर समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू करेक्शंस करती है इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जैसे कार या कंप्यूटर कंप्यूटर जो आज एक कंप्यूटर है कार जो आज एक कार है वो इसलिए नहीं है क्योंकि साइंस ने उसे डेवलप किया वो इसलिए है कि साइंस की जो करेक्टरिस्टिक है सेल्फ़ करेक्शन कि अगर जो उसने आज चीज़ें बनाई हैं उसमें अगर कुछ गलती हुई है तो वो उसे करेक्ट करेगी आज जो चीज़ें हैं उन्हें अपग्रेड करेगी उस साइंस की करेक्टरिस्टिक के कारण हम हमेशा कंप्यूटर्स में नए अपग्रेड पाते हैं कार में बाइक में नए अपग्रेड पाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज करने के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो साइंस फैक्ट्स को डेवलप करना और फैक्ट्स में चेंजेस करना बाय द सेल्फ़ करेक्शन दोनों पे वर्क करती है बस हाँ ये जो सेल्फ करेक्शन हो ये इम्पेरिकली प्रूव होने चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर मुझे लगता है कि इस चीज़ के अंदर ये करेक्शन होना चाहिए और ये गलत है तो मैं मान लूँगा साइंस पहले उसके लिए इम्पेरिकल फैक्ट्स डिमांड करेगी सेल्फ करेक्शन के बाद जो साइंस का अगला एक गुण है करेक्टरिस्टिक है वो है सिस्टमेटिक जो साइंटिफिक स्टडीज़ होती हैं या साइंटिफिक मेथड्स से जो स्टडीज़ होती हैं वो सिस्टमेटिक होती हैं सिस्टमेटिक का क्या अर्थ है कि सिस्टम का अर्थ होता है कि विभिन्न स्टेजेस होंगी विभिन्न एलिमेंट्स होंगे और वो जो स्टेजेस हैं और जो एलिमेंट है वो मिलकर किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं जैसे कार कार क्या है एक सिस्टम है उस कार के उस सिस्टम में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बहुत सारी स्टेजेस हैं उस कार को डेवलप होने में और वो जो डेवलप हुई है उसके बाद वो कार इज uh, फॉर्म में हमारे सामने है साइंस भी जो अपनी स्टडी है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस से करती है और सिस्टमैटिक प्रोसेस में इक्वालिटी होती है कि जो स्टेप्स होते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं ऐसा नहीं है कि ये वाला स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप कम इम्पोर्टेंस है हर स्टेप की अपनी इंपॉर्टेंस है और हर स्टेप अगले वाले स्टेप्स की एक जरूरत एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो वन स्टेप अगर साइंटिफिक स्टडी का एक पहला स्टेप है रिव्यू ऑफ़ लिटरेचर उसके बाद है हाइपोथेसिस डेवलपमेंट तो मैं बिना रिव्यू ऑफ़ लिटरेचर के हाइपोथेसिस नहीं डेवलप कर सकता या अगर डेटा एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है तो डेटा एनालिसिस से पहले डेटा कलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है तो इन स्टेप्स को मैं ना ही स्किप कर सकता हूँ ना ही इग्नोर कर सकता हूँ तो फाइनली क्या होगा फिर ये सारे के सारे स्टेजेस प्रोसेस कंप्लीट होते हैं और उसके बाद हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है या तो हमारे पास जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका आंसर मिलता है अगर वो नहीं मिलता है तो वो रिसर्च एक नए रिसर्च क्वेश्चन के साथ एंड होती है उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट साइंस जर्नलाइजेशन जर्नलाइजेशन का अर्थ है कि जो साइंटिफिक मेथड से हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम सामान्य लोगों पर पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसे अगर मैंने एक साइंटिफिक स्टडी की कि इस पदार्थ को खाने से इस चीज़ को खाने से आपको व्यक्ति को कैंसर हो सकता है या इस चीज़ को खाने से आपको हेल्थ बेनिफिट है अगर मैंने इसे साइंटिफिक स्टडी से प्रूफ किया है ये नॉलेज गेन की है तो उसके बाद मैं उस मेडिसिन को या उस बता सकता हूँ सामान्य लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट करेक्टेस के साथ कि ये हेल्थ बेनिफिट डेवलप होंगे या अगर मुझे लगता है कि इस चीज को खाने से हेल्थ बेनिफिट नहीं होंगे या आपको नुकसान देगा तो भी मैं ये चीजें जनरल पॉपुलेशन पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं कॉम्यूनिटी कॉम्युनिटी का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों के लिए वो कॉमन है एक पॉपुलेशन के लिए ऐसा नहीं है कि ये जो रिजल्ट है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए है अगर वो स्पेसिफिक पॉपुलेशन में रिसर्च का उद्देश्य सिर्फ उसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करना ना हो तो अब इन सब बातों के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऑल द मैथड्स ऑफ क्वायरिंग नॉलेज आर इंपॉर्टेंट ये सभी मैथड इंपॉर्टेंट है अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कॉन्टेक्ट में हम इन अलग अलग मैथड से नॉलेज गेन करते हैं तो यहाँ कहने का ये अर्थ कतई नहीं है कि कोई भी मेथड खराब है या कोई भी मेथड यूजलेस है सभी मेथड्स की अपनी अपनी उपयोगिता है साइंस की मनोविज्ञान या साइंस की जो विधियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं क्योंकि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक रिसर्च डिमांड करती है इसके बाद जब हम साइंस scientific method, experimentation, experimental methodology, statistical analysis का डिस्कशन करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन uh, हमारे सामने होता है जिसे हम कहते हैं डेटा अभी तक जितना हमने चर्चा की उसमें आपने देखा होगा हमने कुछ शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया है उसमें मेजरमेंट डेटा आंकड़े फैक्ट्स अब सवाल यह है कि जब हम इतना इंपॉर्टेंस डेटा पर साइंस में रखते हैं तो डेटा है क्या कोई भी वस्तु क्या एक डेटा है या उस वस्तु का कोई गुण एक डेटा है, है क्या डेटा तो डेटा का मापन में अर्थ है कि डेटा इज ए आउटकम ऑफ मेजरमेंट जैसे हमें अगर समय पूछना है तो समय मापने के लिए हमारे पास क्या है घड़ी है हमने किसी से पूछा कितना समय हुआ है उसने हमें बताया ग्यारह बज के बीस मिनट हुए हैं तो यह क्या इंफॉर्मेशन क्या है डेटा या किसी ने पूछा कि इस कार्य को पूरा करते हुए आपको कितना समय हो गया है तो उसने बताया थर्टी मिनट तो ये जो कैसे उसने बताया हमें ये बात मेजर करके किससे घड़ी से तो घड़ी क्या है वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमें टाइम को मेजर करने में हेल्प करती है और उस प्रोसेस से जो हमें आउटकम आया है वो है डेटा तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल वो जो थर्टी मिनट था वो था डेटा डेटा मेजरमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करता है मेजरमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने का अर्थ है किसी ने हमसे टाइम पूछा हमने उसे टाइम बताया लेकिन टाइम बताएं कैसे जब तक हमारे पास मापन करने के लिए एक नूमेरिकल वैल्यू ना हो जैसे थर्टी मिनट कोई हमसे टाइम पूछ सकता है आपको एक कार्य करते हुए कितना समय हुआ आपने कहा बहुत समय हो गया बहुत देर हो गई है बहुत देर से मैं ये काम कर रहा हूं यहां पर जो हमने इन्फॉर्मेशन कन्वे की है वहां पर डेटा अवेलेबल नहीं है क्यों क्योंकि जो हमने मेजरमेंट किया है उससे जो हमें आंकड़े डेटा प्राप्त होने चाहिए हमने उसको प्रोसेस को मेजरमेंट को पूरा नहीं किया इसके बाद डेटा की क्या करेक्टरिस्टिक है डेटा डिस्क्राइब्स द थिंग देखिए जैसे अगर मुझे एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं उस व्यक्ति के बारे में कैसे डेटा कलेक्ट करता हूँ या आप भी किसी के व्यक्ति के बारे में कैसे बात करते हैं उसकी उम्र क्या है उसका जेंडर क्या है वो कहाँ से बिलोंग करता है उसकी आँखों का कलर क्या है उसके बाल का कलर क्या है ये सारी इंफॉर्मेशन आप कैसे दे रहे हैं जैसे एज उसकी एज माना थर्टी टू है जेंडर माना मेल है कलर बालों का कलर मान लेते हैं ग्रे है या ब्लैक है और वो कहीं माना उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है तो ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये क्या कर रही है उस व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रही है और डिस्क्रिप्शन से हम उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो अगर हमारे पास उस व्यक्ति के बारे में जो नॉलेज है वो किसके बेसिस पे डेटा के बेसिस पे और डेटा के बेसिस पे क्यों है क्योंकि डेटा के अंदर एक करेक्टरिस्टिक है कि जिस व्यक्ति जिस वस्तु या जिसके बारे में बताता है उसको एक्सप्लेन कर सकता है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा बिना इन्फॉर्मेशन के किसी भी तरह की इम्पोर्टेंस नहीं रखता है तो हम ये कह सकते हैं कि हर डेटा के अंदर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निहित होती है जैसे अगर कोई आपसे टाइम पूछे आपने बताया पाँच मिनट तो ये जो पाँच मिनट है आंकड़े हैं ये इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी उन्हें दे रहे हैं जैसे कितना समय बचा है पाँच मिनट कितना समय और मैं काम कर सकता हूँ दो घंटे कितनी देर और मुझे लगेगी सेवेंटी फाइव मिनट्स ये सब क्या है इन्फॉर्मेशन है तो जब भी आप आंकड़ों का डेटा का आदान प्रदान करते हैं उस आंकड़ों के आदान प्रदान के साथ आप एक मैसेज एक इंफॉर्मेशन दूसरे व्यक्ति को देते हैं या उस व्यक्ति से एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो डेटा का नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक हुआ उसके बाद डेटा का और क्या उपयोग है ये जो डेटा है ये जो आंकड़े हमें ज्ञात होते हैं इन आंकड़ों को एनालिसिस करके हम डिसीजन लेते हैं जैसे आप अगर यहाँ से मार्केट जाएं और कुछ भी खरीदने गए फॉर एग्जांपल तो आप पहले क्या करेंगे पहले उस वस्तु के जो डिफ़रेंट डिफरेंट प्राइसेस हैं उन्हें कलेक्ट करेंगे उन प्राइसेस को कलेक्ट करने के बाद वो आंकड़े बनेंगे उन आंकड़ों का प्रोसेस करेंगे ताकि आप एक अच्छी शर्ट परचेज़ कर सकें तो एक शर्ट को परचेज करने के लिए भी हमें आंकड़े मदद करते हैं आंकड़ों का एक अलग करेक्टरिस्टिक है उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन को हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो आंकड़े हैं उन्हें आप ऐड करके एक नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जैसे अगर मैं घड़ी देखूं तो इस घड़ी में मुझे तीन चार तरह के आंकड़े मिल सकते हैं जैसे सेकंड, मिनट आर्स डे तो आंकड़ों की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि सेकंड्स मिलकर मिनट minute, मिनट मिलकर आर्स की इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं अगर 60 सेकेंड मिलते हैं तो 60 सेकेंड मिलकर एक मिनट और 60 मिनट मिलकर एक घंटे को कंप्लीट करते हैं इसके अलावा जो डेटा की करेक्टरिस्टिक है वो है समराइजेशन हम डेटा को समराइज कर समराइज़ कर सकते हैं समराइज़ का मतलब हम उसे संक्षिप्त में बता सकते हैं और जब हम डेटा को संक्षिप्त में बताते हैं तो वो डेटा संक्षिप्त में भी अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है जैसे अगर मैं यहाँ पर सब पचास बच्चे हैं पचास बच्चों का डेटा कलेक्ट करूँ और उसके बाद कहूँ कि इन जो पचास बच्चे हैं इनकी एवरेज एज थर्टी टू है तो मैंने समराइज़ किया पहले और समराइज करने के बाद भी मैंने वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेटम और डेटा डेटा पुरलर फॉर्म है डेटम की डेटम का मर्थ है एक सिंगल पॉइंट या सिंगल स्टेब्लिशमेंट uh, डेटम एंड डेटा का अर्थ है एन नंबर ऑफ डेटम पुरुलर है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रॉ डेटा रॉ डेटा का अर्थ है आप जब किसी भी चीज के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं उसे एज इट इज ऑरिजिनल फॉर्म में जब आप रखते हैं तो उसे हम कहते हैं रॉ डेटा ओके धन्यवाद आज के लिए इतना ही अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के व्याख्यान को कंप्लीट करेंगे थैंक यू Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered. And Indeed, the very charm of this particular story that I'm going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. Uh, the adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled in all of its adaptations almost as Appointment in Samara. Here is the story A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty handed. Indeed, the servant had all gone white and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samara and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samara to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. Why did you make a threatening gesture to my servant? asked the master to Death. And Death replied, It was not a threatening gesture, rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today because this evening. I have an appointment with him in Samara. See you in the next episode of Literary Snippet.